बुरहान वानी शहीद की चौथी बरसी पर आज लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से तल्लुक रखने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी अफराद ने शिरकत की। मशहूर सियासी और समाजी रहनुमा मोहम्मद साजिद खान ने भी इसमें शिरकत की। इस एहतजाज का मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी और भारतीय हाई कमीशन को कश्मीरियों पर होने वाले मजालम से उजागर करना था। इस मौके पर मोहम्मद साजिद खान का कहना था कि बुरहान वानी एक शहीद का नाम नहीं बल्कि एक जद्दोजहद का नाम है और हम कश्मीरियों की हमायत करने से किसी भी हद तक गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो अपना किरदार अदा करे और भारत को फौरी तौर पर कश्मीरियों पर मजालम करने से रोके। आज हम बुरहान वानी की चौथी बरसी पे इंडियन एम्बेसी के बाहर इकट्ठे हुए हैं। बुरहान वानी जो है वो एक शहीद का नाम नहीं है, एक जद्दोजहद का नाम है। इंशाल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी और कश्मीर के आजाद होने तक जारी रहेगी। ये 11 साल का जो लॉकडाउन और मासूमों पे जो जुल्म हो रहा है, हम यूनाइटेड नेशन से अपील करते हैं कि जुल्म को खत्म किया जाए। आज हम इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर खड़े हैं और यहाँ ब्रिटिश कश्मीरी पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं और ये बता देना चाहते हैं दुनिया को कि ये इंडियन हाई कमीशन हिंदुत्व आइडियोलॉजी का सिंबल है। इस इंडियन हाई कमीशन की रजीम ने वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में 1 लाख कश्मीरियों का कत्लेआम किया, 10,000 औरतों का रेप किया, 11 माह से ब्रूटल लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के अंदर जो वहाँ पर कश्मीरियों को नत्थे कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। आप इस वक्त चाहिए मुजाहिदीनों को भी और हमारी जो आर्मी टूटी पुजी है आगे जाए। अब क्या सोना है, सोई ना, अभी जाके